जैविक कृषिजात सामग्रीर चाहिदा देशर बड़ बड़ सहर रे बढ़ी चलता बेले आम भुवनेश्वर रे मध्य एथिपाई ग्राहकों आकर्षण बढ़ी आद्वारा चाषी माने मध्य लाभवान होती। आज से संपर्क एक रिपोर्ट। सचेतन चाषी सतर्क ग्राहकों जाए समस्ते बे जैविक कृषि एवं जैविक पद्धति रे उत्पादित खाद्य आड़ को मुहैले बिना कोनोसी रासायनिक सार और कीटनाशक प्रयोग रे फळुतिबा खाद्य स्वास्थ्य पई खूब हितकर होइतुबरु एबे चारियाडे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खोजा पड़ी। हेले प्रामाणिक बा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सबु जगार मिलिबा एते सहज नुहे। खुशीर कथा जैविक पद्धति आपणीथिबा चासिंकर उत्पादित फसल को सीधा सड़ख राजधानीवासी निकट में पहुंचाइबार सुजोग आनी देछि हाइलैंड्स एग्रीभेंचर संस्था। भुवनेश्वर सौभाग्यनगर में यार एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल पॉइंट उद्घाटन करिसेंति कृषि और खाद्य उत्पादन निर्देशक डॉक्टर एम मुथुकुमार। अगस्ट 15 रे आमे गोटे एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक काउंटर आमे गोटे खोलिछु सौभाग्यनगर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर पई एटा होछि प्रथम ऑल ओडिशा पई बोध प्रथम एक्सक्लूसिव काउंटर आमर अछि। आमर एथरे तीन प्रकार ब्रांड आमे ए करूछु। गोटे हला कलिंग ऑर्गेनिक्स जोटा कि आम परंपरागत कृषि विकास योजना अंडर आम जो सब प्रोजेक्ट एरिया कवर करूँ से आम चाषी मान पाखर कलेक्शन आनी ये बिक्री करूँ। आ सेकेंड हूँ आमर कॉक्स ब्रांड गोटे अच्छी जोटा आम एनओपी एनपीओपी एनओपी स्टैंडर्ड आम प्रोडक्ट आनी बिक्री करूँ। आउ गोटे हूँ थ्री एन ऑर्गेनिक्स। थ्री एन ऑर्गेनिक्स आम सब प्रोडक्ट को प्रोसेस करी पैकिंग कर बिक्री कर। आमर स्टोर रे बर्तमान अवेलेबल हो रागी पाउडर मल्टी मिलेट विथ ड्राई फ्रूट्स मिलेट विथ आलमंड मिलेट विथ डेट्स आउ मिलेट विथ पिस्ताचियो पांचटा भेराइटी आम केवल रागी उपर कवर करूचे। तड़का डाल थाउची आपणकर राइस फ्लोर थाउची आउ आपणकर रहिला चिकपी एठी आमर अवेलेबल होउची जोगुडा कि आम थ्री एन ऑर्गेनिक्स रे प्रोसेसिंग करिकरी बिक्री करूचे। आपर आपणकर आम जदि आसवा कलिंग ऑर्गेनिक्स को से सेंट्रेड राइस रोचे आउ गोटे बासपत्री राइस गोटे आम से ये करूचे। आउ आपणकर रोचे रेड एंड ब्राउन राइस गोटे रोचे देसी भेराइटी गोटे आम राइस से रखुचे। एठारे थ्री एन ऑर्गेनिक्स कलिंग ऑर्गेनिक एवं कॉग्स यही तीन टी ब्रांड विभिन्न खाद्य सामग्री बिक्री हो रही चाउल मुग बिरी और तड़का डाली लंका गुंड हल्दी गुंड आदि मसला काजु और आलमंड भली ड्राई फ्रूट अंला पाउडर और महु इत्यादि। तेबे एठारे मिलुथिबा भली कि भली स्वादर मांडिया पाउडर स्वास्थ्य सचेतन ग्राहकों मध्यरे बेस आदृत हो पारिछि। एठारे बिक्री होथिबा खाद्य द्रव्य रे ना चाष बेले ना अमल परे केते बेले भी कोनोसी प्रकार रासायनिक क्षतिकारी पदार्थ मिसा जाएनी। ग्राहक मानकर जेहेतु एटा नुआ करी ओपन हेची ग्राहक माने बहुत आसुचंती इनक्वायरी पैंका तांकर भी रहूची अवेलेबल से माने बहुत समय आसुचंती। इवनिंग रे बहुत भिड़ रहूची काउंटरटा जेहेतु 8टा पर्यंत खोला रहूची तेणु आम इवनिंगटा 5टा रु 7-8टा पर्यंत बहुत भिड़ रहूची काउंटर रे। मार्केट बहुत ठीक ठाक अच्छी मार्केट अलग प्रडक्ट सागर जब कंपेयर करवा ठीक ठाक अच्छी कहीं ऑर्गेनिक तो इमेंटी सब जगह अवेलेबल हो पारुनी जी आम ये रखुचे से जेहेतु बाहर प्राइस सहित तो कंपेयर कर कस्टमर निश्चित ये आसुँच कहीं एटा हूँ पेस्टिसाइड यूज होना जोटा कि बर्तमान लोकों का देहपाइंका भल हेल्थपैंका हेल्थ इश्यू ना ये कि से लोक मान बहुत चाहिदा रोचे। मुझे हेल्थ कॉन्शियस फिटनेस ट्रेनर आउ मु पिला कह भी आसिक नहीं जाए कारण आलमंड्स पिस्टाचो बहुत भल भल अच्छी आईटा देख ली गोटे जिनसटा जे आम जिम मानक भल आम जेजे भी खाइले डायबिटीस से भल हम आउ जगह कि किसी मिसरण यहीटा भी अच्छी कैलिफोर्निया आलमंड्स बहुत यहाँ बहुत मानते स्वीट किसी ना अलग मानते मिसा आस कलर फेड हो तो आजिकल सबकि डुप्लिकेट पाला ये जिनस ए नाली चावल जो ब्राउन राइस अपेक्षा ए रेड मिक्स आउट कारण आम देसी ना गाँ मान जो मिले ना बहुत प्रोटीन ये प्रोटीन फैटलेस आउ प्रोटीन यहाँ खाइले बहुत भल।
2014 ମସିହାରେ ଜୈବିକ କୃଷି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଏଗ୍ରିଭେଞ୍ଚର ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ମିଶନ ସହାୟତାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମାତ୍ର 500 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 476 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଫଳ ଓ କିଛି ପନିପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତେବେ ପରମ୍ପରାଗତ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ 2017 ମସିହାରୁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ସୋରିଷ, ବୁଟ, ମଟର, ହରଡ଼ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହିସବୁ ଫସଲ ଅମଳ ହେବା ପରେ ତାର ବଜାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଏଗ୍ରିଭେଞ୍ଚର ଭଳି ଆଉ କେତେକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଅର୍ଗାନିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାପଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଲୋକେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି।